नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा गणित, मैथ। गणित का मतलब क्या है? इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि गणित का अर्थ क्या है, वास्तव में गणित का मतलब क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे गणित की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो नोट्स होंगे, वीडियो होगी, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगी। ये आपका सी टेट के लिए अगर हम देखें तो सी टेट का आपका पैडागोजी ऑफ मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक्स है, और ये जो वीडियो है आज की, ये बी एड से लेकर और सी टेट और टेट और बाकी आने वाले सभी जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज एक चलाई गई है जिसमें आपको सभी टॉपिक वाइज लाइन से आपको सभी टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। पूरी पैडागोजी ऑफ मैथ्स जो है वो आपके बिल्कुल कंप्लीट कवर कराई जाएगी, एक एक टॉपिक आपको सभी बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा, कोई भी डाउट आपका इस सीरीज के बाद नहीं रहने वाला है। तो इस सीरीज को आप कंप्लीट डेली रेगुलरली देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे पैडागोजी ऑफ मैथ्स को लेकर। हम बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर कराएंगे। सीरीज को पूरा देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि सीरीज की जो भी नेक्स्ट वीडियोस आपके पास मैं अपलोड करूं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो गणित शिक्षण, गणित का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब होता है, अगर हम कहें कि गणित को एक शब्द में बताएं कि गणित क्या है, तो गणित का मतलब है गणना करना, टू कैलकुलेट। हम किसी भी चीज़ की अपनी डेली लाइफ में बेसिक नीड है हमारी गणना करना, टू कैलकुलेट। हम स्टार्टिंग से बचपन से लेकर हम गणना करने स्टार्ट कर देते हैं, जोड़ घटा गुना भाग ऐड सबट्रैक्ट ये सब हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम मार्केट में एक छोटी सी पेंसिल भी लेने जा रहे हैं तो भी हमें उसमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटा बच्चा अगर मार्केट में जा रहा है टॉफीज लेने जा रहा है तो उसका पता होना चाहिए कि उसको कितनी टॉफीज लेनी है और उसके लिए आप उसको कितनी मनी उसको पे करनी है, तो उसमें वो सब्ट्रैक्ट ऐड वो सब आपके यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। तो जो मैथ्स है, गणित है, ये एक पूरी डेली लाइफ का, हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। साथ ही साथ ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, मैथ्स से अलग जो अन्य सब्जेक्ट है उसमें भी काम आता है। ठीक है, वो कैसे, वो हम आगे धीरे धीरे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गणित का जो सीधा मतलब होता है वो होता है नापतोल से। हम किसी के बारे में मेजर कर रहे हैं, चाहे उसकी उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, नापतोल कर रहे हैं। ठीक है, चाहे किसी का एरिया निकालना हो, हमें किसी की वॉल्यूम निकालनी हो, किसी की हाइट डिस्टेंस ये सभी अगर मेजर करना है तो उसके लिए हमें मैथ्स की जरूरत होगी। ठीक है, गणित के सिद्धांतों के ज्ञान के बिना हम किसी भी क्षेत्र में नापतोल नहीं कर सकते। जब तक हमें गणित के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता होगा, हमें नॉलेज नहीं पता होगी, हमें फॉर्मूलेज नहीं पते होंगे, हमें प्रिंसिपल्स नहीं पता होंगे, तो क्या हम कोई भी किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई मेजरमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। डेफिनेशंस देखते हैं हम आगे इसकी। अगर कुछ जो हमारे गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग गणित को परिभाषा में 2 से 3 लाइन की परिभाषाओं में समेटने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो नेपोलियन एक गणितज्ञ थे, इन्होंने क्या कहा गणित के बारे में? इन्होंने कहा कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यानी कि गणित यानी मैथ जितना भी उन्नत होगा, जितनी इसमें ग्रोथ होगी, उतनी ही हमारी कंट्री की जो संपन्नता है, जो प्रोस्पेरिटी है, वो बढ़ेगी। इतना अहम सब्जेक्ट है कि इसकी वृद्धि, इसकी ग्रोथ के साथ साथ इसमें जितना जितना डेवलपमेंट होता रहेगा, हमारी कंट्री में भी उतना डेवलपमेंट होता रहेगा, कंट्री की प्रोस्पेरिटी में, कंट्री की संपन्नता में। ठीक है, लोग नेक्स्ट गणितज्ञ हैं जिन्होंने कहा कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। यानी गणित एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा तरीका है, अगर हम गणित बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं गणित, ठीक है, तो उसका द्वारा बच्चे का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है उसका, उसमें तर्क करने की आदत आएगी, हैबिट आएगी। उसमें हम देखते हैं आगे, हम प्रूफ करते हैं कि ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किस तरह से आया। गणित में हम पूरी की पूरी तर्क लगाते हैं, माइंड लगाते हैं अपना, तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है, रीजनिंग करते हैं। तो गणित करने वाले बच्चे के मस्तिष्क में, माइंड में तर्क करने की आदत बैठ जाती है, उसको तर्क करने की जो हैबिट है उसको डेवलप करता है हमारा गणित, हमारा मैथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मार्शल के अकॉर्डिंग। मार्शल ने कहा कि ऐसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित
किया गया है। अब इसका क्या मतलब है, इन्होंने क्या कहा कि ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, एक ऐसी इकोनॉमिक स्टडी है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। अमूर्त तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे हमारी कोई फीलिंग है, हैप्पीनेस, सैड, क्या हम सैडनेस को, हैप्पीनेस को देख सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से मैथ्स क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। मैथ्स के सभी फॉर्मूले जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, जिनका कहीं भी कोई कॉन्क्रीट नहीं है। सिर्फ ये थिंकिंग है, इसको हम सोच सकते हैं, सिर्फ थिंक कर सकते हैं इसके बारे में, इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम देख नहीं सकते। तो मैथ क्या है, एक ऐसी इकोनॉमी का अध्ययन है, स्टडी है, जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी हुई है, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है, लेकिन इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है या मूर्त रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब कैसे, मान लीजिए फॉर्मूला है हमारा कोई मैथ्स का, ठीक है, वो हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हमने कोई ठोस उसमें देखा नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ सोचा है, माइंड में थिंक किया है, जिसके हमने थिंक करके एक फॉर्मूला बनाया है। लेकिन जब उसको हम किसी सॉल्यूशन में रखते हैं, जो किसी क्वेश्चन में रखते हैं, उसका जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो मूर्त होता है, वो कॉन्क्रीट होता है। कैसे, मान लीजिए आपको कोई शेप दे दी, ठीक है, कोई एरिया दे दिया, रेक्टेंगल एरिया दे दिया, और बोला कि इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो जो एरिया का फॉर्मूला है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, वो हमारी थिंकिंग है, हमारे जो गणितज्ञ हुए हैं, ठीक है, उन्होंने वो फॉर्मूला खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, खुद से बनाया है उसको, ठीक है। उस फॉर्मूले को जब हमने उसमें रखा क्वेश्चन में, उसकी लेंथ मेजरमेंट्स को मेजर करने के बाद जब हमने क्वेश्चन में रखा, तो हमारा लास्ट में जो एरिया निकल कर आया उस फील्ड का, उस रेक्टेंगल का, वो तो हमारा कॉन्क्रीट है ना। अगर हम, हमारे पास कोई खेत है, खेत का हमें एरिया मेजर करना है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन जो एरिया निकल के आया, अगर आता है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कॉन्क्रीट है, हम उसको मेजर करके देख सकते हैं एरिया को। हमारे सामने रेक्टेंगल है, हमारे सामने एक एरिया है, फील्ड है, उसका अगर हम एरिया मेजर करेंगे किसी स्केल से, किसी उससे, तो वो हमारा कॉन्क्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैथ्स है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स से मिलकर बना है, लेकिन किसमें ट्रांसफॉर्म करता है, कॉन्क्रीट में, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं इनमें से। अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पूछ लिया जाता है कि जो गणित है वो एब्स्ट्रैक्ट है या कॉन्क्रीट है, गणित मैथ्स के फॉर्मूले एब्स्ट्रैक्ट है कि हमारा कॉन्क्रीट है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, ठीक है। और बीएड की अगर हम बात करें तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस जरूर आता है, गणित क्या है, गणित से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको देनी होगी, साथ साथ उसकी प्रकृति वगैरह के बारे में उसमें पूछ लिया जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बर्टन रसेल। देखिए ये सभी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि बर्टन रसेल की डेफिनेशन बताइए, आप अपनी मर्जी है, जो डेफिनेशन आपको इजी लगे, जो डेफिनेशन आपको सूटेबल कर लगे वो लर्न कर लीजिए, कोई दो से तीन डेफिनेशन आप उनको लिख दीजिए, वो आपकी इच्छा है आप किसके की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। बस इनको समझने की ज़रूरत है ताकि आप मैथ्स को समझ पाएं। गणित एक ऐसा विषय है, बर्टन रसेल ने कहा कि गणित एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही ये जान पाते कि हम कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, सब कुछ हमारा थॉट्स पे चल रहा है, सब कुछ हमारा थिंकिंग में चल रहा है, हम ये नहीं पता हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूले दिए हुए क्वेश्चंस निकालते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, गणित की डेफिनेशन हमारी क्लियर हो चुकी है, इसमें से जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगी वो एक या दो सिलेक्ट कर लीजिए, वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। गणित की प्रकृति हम देखते हैं, नेचर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, उसका जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस करिकुलम जो होता है उसका, ठीक है, वो उसका उद्देश्य निर्धारित करता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसको पढ़ा क्यों रहे हैं, ठीक है। अगर हर सब्जेक्ट का जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वैसे ही मैथ्स का भी ऑब्जेक्टिव है, साइंस का भी ऑब्जेक्टिव है, हिंदी को पढ़ाने का भी उसका ऑब्जेक्टिव है, एम है कि हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिव कैसे निर्धारित होता है कि उसका जो करिकुलम बना हुआ है, ठीक है। अब मैथ्स का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है, छात्रों में तर्क शक्ति उत्पन्न करना, लॉजिकल रीजनिंग पावर को डेवलप करना है, मेंटल पावर को डेवलप करना है,
मेन उद्देश्य तो मैथ्स का यही होता है ना कि बच्चे में मेंटल पावर डेवलप हो सके, उसमें तर्क करने की शक्ति आ सके, सोच समझने की शक्ति आ सके, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसका करिकुलम बनाया जाता है, उसका सिलेबस बनाया जाता है, ताकि ऐसे ऐसे सब ऐसे ऐसे टॉपिक्स को रखे जिससे बच्चे की तर्क शक्ति बढ़ सके। वही हिंदी में होता है, वही साइंस में होता है, ठीक है। जो उद्देश्य होता है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होता है। लेकिन किन्हीं दो विषयों में अंतर हम उनकी प्रकृति के द्वारा करते हैं। अब हर सब्जेक्ट की अपनी नेचर होती है, अपना स्वभाव होता है, ठीक है। कोई भी दो सब्जेक्ट का नेचर सेम नहीं हो सकता, सभी सब्जेक्ट का अपना अपना अलग अलग स्वभाव हो सकता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए दो ट्विंस हैं, वो हर तरह से सेम है, रंग रूप आकार एक दूसरे से बिल्कुल सेम लग रहे हैं देखने में, लेकिन उनका जो बिहेवियर होगा, उनका जो नेचर होगा, वो अलग अलग हो सकता है, वो अलग अलग होगा। इसी तरह से इसमें सब्जेक्ट अगर सेम भी लग रहे हैं तो भी उनका नेचर जो होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो स्वभाव होता है, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। उनके नेचर के आधार पर ही, उनके नेचर के बेस पर ही हम किसी सब्जेक्ट को पहचानते हैं, किसी सब्जेक्ट में अंतर कर पाते हैं कि गणित और विज्ञान में क्या अंतर है। उसके लिए हमें प्रकृति का पता होना चाहिए। देखते हैं क्या क्या प्रकृति है इसकी। गणित की अपनी भाषा होती है, यानी खुद की अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, वैसे मैथ की अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे प्लस की माइनस की, उसमें अपने साइन बने हुए होते हैं। वो प्लस माइनस साइन हम कहीं किसी और लैंग्वेज में तो यूज़ नहीं कर सकते ना। हिंदी में हम प्लस माइनस नहीं लिख सकते, इंग्लिश में हम प्लस माइनस नहीं लिख सकते। मैथ्स की अपनी लैंग्वेज है, अपने साइन है, जैसे ब्रैकेट हो गए, ठीक है, लंबाई चौड़ाई त्रिभुज ट्रायंगल, और ये सब चीज़ क्या है, अपनी लैंग्वेज है मैथ्स की। मैथ्स की जो लैंग्वेज है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। गणित की भाषा सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, यानी कि संसार में सभी जगह सेम है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम इसको ट्रायंगल करेंगे कहेंगे तो कहीं और हम उसको रेक्टेंगल कह देंगे, नहीं, सभी जगह सेम होगा। यहाँ जो प्लस का मतलब है वहाँ भी प्लस का वही मतलब होगा, किसी और अदर कंट्री में या किसी अदर स्टेट में। नेक्स्ट चलते हैं, गणित में ज्ञान ठीक स्पष्ट और तार्किक एक क्रम में होता है। गणित की जो नॉलेज है वो बिल्कुल स्पष्ट होगी, तार्किक होगी यानी लॉजिकल होगी, और एक क्रम में होगी, ठीक है। और एक बार अगर हम समझ लेते हैं किसी चीज़ को तो उसे आसानी से नहीं भूल सकते। अगर हमें मैथ का कोई क्वेश्चन कोई फॉर्मूला एक बार अच्छे से समझ में आ गया, रटने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, समझने की बात हो रही है, अगर वो हमें अच्छे से समझ में आ गया तो हम उसको आसानी से जल्दी से नहीं भूलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मैथ्स जितना हार्ड सब्जेक्ट है उतना ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हार्ड जब तक है जब तक हमें समझ में नहीं आ रहा, एक बार अगर हमें समझ में आना स्टार्ट हो गया तो मैथ्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में सभी चीज़ बिल्कुल फिक्स होती है, कोई चीज़ चेंज नहीं होती कि अब ये है तो यहाँ पर इसका मतलब ये है तो नेक्स्ट उसमें इसका मतलब अलग हो जाएगा, सभी जगह सेम होता है। गणित के ज्ञान का प्रयोग अलग अलग विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि अन्य विषयों में किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि गणित का प्रयोग हम गणित में कर रहे हैं, गणित से हमें जो नॉलेज मिल रही है वो हम जो अलग से साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा फिजिक्स में हमारी बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं, डेरिवेशंस होती हैं, तो डेरिवेशंस को हम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैथ्स का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें मैथ्स चाहिएगा। केमिस्ट्री की बात करेगा हम, अरे हमें रिएक्शंस देखनी है, उसमें हमें किसी लिक्विड को मेजर करना है कि इसमें लिक्विड कितनी है, लिक्विड की वॉल्यूम कितनी है, इसमें कितनी मिला है, उन सब के लिए हमें मैथ की ज़रूरत होगी। वहीं बायोलॉजी में भी सेम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी हमारी साइंस सब्जेक्ट्स हैं सभी में हम मैथ्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, गणित का जो ज्ञान होता है वो सभी जगह समान होता है। अभी मैंने ऊपर बात की थी सार्वभौमिक होता है, सभी जगह का समान होता है, तथा इसका सत्यापन किसी भी स्थान समय पर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आज ही किया जा सकता है, कल नहीं किया जा सकता है, कहीं भी हम कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है एरिया का, ठीक है, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक किसी पर्टिकुलर फील्ड का एरिया में ही हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमें कहीं दूसरे एरिया में ले गए, किसी दूसरे फील्ड में ले गए, किसी दूसरे खेत में ले गए और वहाँ पर वो काम नहीं करेगा, नहीं, मैथ हर जगह हर समय काम करेगा, हर फील्ड में उसका सेम फॉर्मूला रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट का फील्ड अगर हम मेजर करने चाहें उसमें फॉर्मूला दूसरा लगेगा, दूसरा अगर हम मेजर करना चाहें तो उसमें फॉर्मूला दूसरा लगेगा, नहीं, सेम रहेगा हर जगह। गणित का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का दृष्टिकोण आत्मनिष्ठ और आत्मविश्वास से भरा होता है। ये देखा गया कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स मैथ्स का स्टडी कर रहे हैं, मैथ्स की,
ठीक है, पढ़ रहे हैं मैथ्स को, उनका जो दृष्टिकोण होता है, जो उनका नजरिया होता है, ठीक है, जो उनका नजरिया होता है देखने का, वो आत्मनिष्ठ होता है और आत्मविश्वास से भरा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स साइड में जा रहा है, कोई आर्ट्स साइड में जा रहा है, तो उसका उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, या जो मैथ्स पढ़ रहा है उसमें कॉन्फिडेंस 100% होगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ देखा गया है, ये माना गया है, मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है, अधिकतर ऐसा देखा गया है कुछ रिसर्च के दौरान, और या हमारे गणितज्ञ ने ये पाया है नॉर्मली रिसर्च के दौरान, कि मोस्टली बच्चों में, सामान्य बच्चों में, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर, सामान्य बच्चे में अगर कोई गणित की स्टडी कर रहा है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और रही बात अलग अलग फील्ड की, तो 10th तक हर बच्चा मैथ्स पढ़ता है, हर बच्चे के लिए मैथ्स पढ़ना कंपलसरी है 10th क्लास तक, तो इतना उसका माइंड डेवलप हो जाता है 10th क्लास तक आकर, बच्चे की तर्क शक्ति, जो उसका लॉजिकल थिंकिंग है, जो उसकी रीजनिंग पावर है, जो उसकी मेंटल पावर है, वो सभी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा मैथ्स के बारे में, मैथ्स का क्या मतलब है, गणित का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बीएड वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में, और सीटेट में आपके इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। सीटेट का आपका फर्स्ट टॉपिक है, अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं सीटेट का, तो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है। आपकी ये कंप्लीट सीरीज चलेगी, इसमें आपका कंप्लीट पैडागोजी ऑफ मैथ्स का एक एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा, तो इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको यूजफुल लगी है, आपको टॉपिक समझ में आया है, आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा है, कोई भी बात अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, आपकी लाइक हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में और अगले नेक्स्ट टॉपिक लेके। आज के लिए धन्यवाद।